हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के एस यू वी के बारे में विटारा ब्रेजा फर्स्ट जनरेशन का फेस्टिक मॉडल आप ये देख रहे हैं आता है एडवांस के सीरीज पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ जो मिलेगा आपको फोर स्पीड ऑटोमेटिक या फाइव स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स के साथ यहाँ मिल जाएंगे आपको टोटल नाइन वर्जन शुरू होता है एट लैक सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ है लेके थर्टीन लैक फोटी थाउजेंड रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू डेली ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं ये एलेक्सा बेस मॉडल इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता ये मिलेगा आपको सिर्फ मैनुअल में ये पड़ेगा आपको आठ लाख सत्तर हज़ार रुपये का एंड स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरियंट्स के साथ ही रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से यहाँ पे मिलती है आपको स्मार्ट बोर्ड फ्रंट ग्रिल क्रोम फिनिश के साथ ये मिलती है आपको स्टैंडर्ड चाहे आप कोई भी वेरियंट लें सुजुकी का लोगो और इधर मिलेंगे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैप्स मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ एल लाइन गाइड का फीचर मिलता है आपको बेस मॉडल में जो मिलता है आपको इधर और यहाँ पर मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर फॉक लैम्प आप एसेसरी में लगवा सकते हैं और कुछ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल प्लेट मिलती है आपको ब्लैक फिनिश में सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैक पेसन स्ट्रोड विद कायल स्प्रिंग का सस्पेंशन पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम विद कायल स्प्रिंग का सस्पेंशन यहाँ मिल जाएंगे आपको दो वॉशर्स दो वाइपर्स के साथ कुछ इतने साइज़ की मिलती है आपको इसकी फ्रंट विंडशील्ड फ्रंट सेक्शन में मिलता है आपको इसका माइक्रो रूफ एंटीना रूफ रेल्स एलेक्साई बेस मॉडल में नहीं मिलेगी आप एसेसरी में लगवा सकते हैं फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन मिलता है आपको विटारा ब्रेजा में ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ट एंड बेस मॉडल में भी आपको बॉडी कलर ओ आर वम मिलेंगे टर्न इंडिकेटर के साथ बढ़िया फीचर और इधर मिल जाते हैं आपको सिल्वर स्टील व्हील्स एलेक्साई बेस मॉडल में हब कैप के साथ जो मिलता है आपको ब्लैक कलर में एम आर एफ के टायर देखने को मिल रहे हैं एलोई व्हील्स का ऑप्शन मिलता है आपको जेड एक्साई वेरियंट से ये इसकी हब कैप टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको इधर टू जीरो फाइव बाई सिक्सटी आर सिक्सटीन फ्रंट में डेस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है व्हील आज क्लैडिंग का भी फीचर मिल जाता है आपको बेस मॉडल में साइड अंडर बॉडी एंड साइड डोर बॉडी क्लैडिंग का भी फीचर देखने को मिल जाएगा आपको एलेक्स आई बेस मॉडल में एंड आउटसाइड डोर हैंडल्स की बात करें तो मिलता है आपको बॉडी कलर्ड में बी पिलर भी आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा और कुछ ऐसा दिखता है इसका सी पिलर वो भी आपको बॉडी कलर्ड में मिलता है और ये है इसका साइड प्रोफाइल लुक कुछ ऐसी दिखती है विटारा ब्रेजर एलएक्स आई बेस मॉडल के साथ लेंथ मिल जाती है आपको इधर थ्री डबल नाइन फाइव एम एम वेट है वन सेवन नाइन जीरो हाइट है वन सिक्स फोर जीरो एंड व्हील बेस है टू फाइव डबल जीरो एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको वन नाइन एट एम एम टर्निंग रेडियस है फाइव पॉइंट टू मीटर्स कव वेट है ग्यारह सौ दस किलो का एंड ग्रॉस वेट है सोलह सौ किलो का सुजुकी के हार्ट ट प्लेटफॉर्म पर बनती है मारती सुजुकी विटारा ब्रेजर जो एक लाइट वेट प्लेटफॉर्म है एंड इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहां मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट एय बैग्स ए बी एस विद ई बी डी आईसोफिक्स रेयर पार्किंग सेंसर्स विद इन्फोग्राफिक डिस्प्ले एंटी सेप सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी अलार्म सीट बेल्ट रिमाइंडर अलार्म विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर फ्रंट सीट बेल्ट विद पी टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बीम फ्रंटल ऑफसेट फुल फ्रंटल एंड साइड इंपैक्ट कम्पलाइंस पेडरशन प्रोटेक्शन कंप्लायंस स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट पेडल रिलीज सिस्टम सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम इंजन मोबालाइजर रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक डोर हजार वार्निंग लैम्प लो फ्यूल लेवल हेडलैम्प ऑन एंड की लेप वार्निंग लैम्प विद वजह जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको एलेक्साई बेस मॉडल में यह है इसका रेयर प्रोफाइल लुक एक्सक्साई बेस मॉडल का स्प्लिट रेर कॉम्बिनेशन लैम्प एंड एलईडी टेल लैम्प्स का फीचर मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरियंट्स ऑफ विटारा ब्रेजा टेल गेट अपलिक मिलती आपको क्रोम फिनिश में विटारा ब्रेजा की एम्बोजिंग भी मिलेगी आपको इधर ऊपर मिलता है आपको सुजुकी का लोगो रियर सेक्शन में आपको वाइपर डिफॉगर का फीचर नहीं मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लेम्प मिलता है आपको जो मिलता है आपको एल में और इंटीग्रेटेड रेयर स्पॉयर का भी फीचर मिल जाएगा आपको इधर ड्यूल टोन रेयर बंपर मिलता है आपको इधर यहाँ पे मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर एंड रेयर बंपर पर मिलते हैं आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो आते हैं इन्फोग्राफिक डिस्प्ले फीचर के साथ ये राइट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर स्केट प्लेट मिलती है आपको ब्लैक फिनिश में लाइक फ्रंट बंपर यहाँ पे मिलता है आपको इसका एग्जॉट पाइप वन नाइन्टी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ये इसका टोइंग होक ब्लैक फिनिश में मिलती है आपको इसकी स्केट प्लेट गार्निश सिल्वर एक्सेंट आप एसेसरी में लगवा सकते हैं इधर आइए इसका बूट खोल के देखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर और यहाँ मिल जाता है 328 हंड्रेड का बूट स्पेस कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट रेयर पार्सल ट्रे के लिए मिलता है आपको यहाँ पे प्रोविजन आप लगवा सकते हैं एज अ एसेसरी लगेज स्लम का फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर ये है बेस मॉडल यहाँ पे मिलता है आपको एक लगेज हुक लोडिंग लिप की बात करें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलती है आपको एंड स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको साइड पोर्शन में आप देख सकते हैं और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको स्टील व्हील के साथ इस स्पेयर टायर सेम टायर टायरेशो के साथ ये इसकी टूल किट आप देख सकते हैं एंड अगर आपको और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप सेकंड रो की सीट्स को बेंच फोल्ड कर पाएंगे सिक्सटी फोटी स्प्लिट फोल्ड का फीचर मिलता है आपको जेड एक्स से इस तरीके से आप बेंच फोल्ड कर पाएंगे फ़्लैट फ्लोर का भी फीचर मिलता है आपको इधर इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन एंड विटारा ब्रेजा ही ऑफर करता है ये फ़ीचर फ्लैट फ्लोर का इससे मिल जाता है आपको बहुत बढ़िया बूट स्पेस कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे फ्लैट फ्लोर मिल जाता है आपको इधर और यहाँ पे एमरजेंसी एग्जिट का स्विच नहीं मिलेगा यहाँ पे मिलते हैं आपको एक ग्रैब हैंडल बूट को बंद करने के लिए आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं ब्लैक कलर की मिलती है आपको डोर पैडिंग कुछ ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर यहाँ पर मिल जाता है आपको ब्लैक एंड डोर हैंडल लॉकल लॉक बटन ब्लैक फिनिश में ग्रैब हैंडल पावर विंडो का स्विच ये भी ब्लैक फिनिश में डोर माउंटेड आमरेस्ट हार्ड प्लास्टिक मिलता है आपको इधर इधर भी हार्ड प्लास्टिक है चाइल्ड सेफ्टी लॉक डोर पॉकेट वन लीटर बॉटल होल्डर के साथ और ये स्पीकर और कुछ ऐसा दिखता है सेकेंड रो पच्चीस सौ का व्हील बेस मिलता है ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है ये है मिनिमम लेग स्पेस एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल आगे है ये है मैक्सिमम लेग स्पेस विटारा ब्रिजा में हम की बात करें तो कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में फैब्रिक सीट टोस्ट्री मिलती है आपको हेडब्रेस का फीचर नहीं मिलेगा आपको एलेक्साई बेस मॉडल में यही फैब्रिक सीट अपोस्टी मिलती है आपको हर वेरियंट के साथ आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं बैक पॉकेट का भी फीचर नहीं मिलता आपको फ्रंट टू सीट्स के पीछे एलेक्सआई में रियर एसी वेंट का भी फीचर नहीं मिलेगा यहाँ पे मिलता है आपको कप होल्डर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट रो के लिए फिक्स सीट बेल्ट ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको रिट्रैक्टेबल यहाँ पे मिलता है आपको कोटुक का फीचर एक आगे मिलेगा और एक इधर कोटुक का फीचर मिलता है आपको सेकेंड रो में यहाँ पर मिल जाएगी आपको एक रीडिंग लाइट हालोजन बल्ब के साथ और कुछ इतना मिलता है आपको कॉटर ग्लास का साइज़ आईसोफिक्स child seat mounts ये भी स्टैंडर्ड मिलता है आपको थ्री पॉइंट एल आ सीट बेल्ट के साथ और कुछ ऐसा दिखेगा फ्रंट का डाशपुट लुक सेकंड रोज से ऑल ब्लैक इंटीरियर थी मिलता है आपको अलेक्सा बेस मॉडल में भी सिल्वर एक्सेज के साथ आई गाड़ी के बाहर चलते हैं और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके एल ई डी टेल लैम्प्स ऑन होने के बाद वे टर्न इंडिकेटर जो लगती है काफ़ी ज़्यादा शानदार ये फीचर मिलता है आपको बेस मॉडल से ही एंड इसकी वारंटी की बात करें तो टू ईयर्स या फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको स्टैंडर्ड आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू फोर और फाइव टर्न इंडिकेटर ओ पे और ये फ्रंट प्रोफाइल लुक टर्न इंडिकेटर के साथ ये प्रोजेक्टर हेडलैम्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं विद एल लाइन गाइड वी एक्स आई से एल ई का फीचर मिलता है जो इधर देखने को नहीं मिलेगा आपको 2016 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी विटारा ब्रेजा इंडिया में एंड फेस्लिप मॉडल लॉन्च हुआ था 2020 में ग्लोबल एंड कैप में मिले इसको फोर स्टार की रेटिंग एडल्ट में मिले इसको 12.51 के पॉइंट्स आउट ऑफ 17 एंड चाइल्ड में मिले इसको 17.93 के पॉइंट्स आउट ऑफ 49 एंड 2017 में इसको इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था ये है इसका एल लाइन गाइड का फीचर यह है लो बीम प्रोफाइल और ये हाई बीम प्रोफाइल जो आते हैं मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स के साथ गुड़गांव हरियाणा इंडिया में इसकी असेंबली होती है और इंडिया में ये अर्बन क्रूजर के नाम से भी सेल होती है अंडर टोयोटा ब्रांड ग्रे नाइट ग्रे कलर आप ये देख रहे हैं अदर ऑप्शंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर टोन का फीचर मिलता है आपको टॉप फिर के साथ ही यहाँ मिल जाती है आपको दो रिमोट कीज लॉक अनलॉक बटन के साथ सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है आपको एलेक्साइड बेस मॉडल में और कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर ब्लैक कलर की मिलती है आपको डोर पार्डिंग वन लीटर बॉटल होल्डर की डोर पॉकेट मिलती है चारों डोज पे ब्लैक एंड साइड डोर हैंडल लॉक अन लॉक बटन ड्राइवर साइड पावर विंडो पे मिलता है आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मास्टर की लॉक अनलॉक बटन एरियर पावर विंडोज को लॉक करने के लिए डोर माउंटेड आमरेट्स मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक मिलेगा यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर ट्विटर के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोविजन ये इसकी फ्रंट में पॉकेट चारों डोर्स पे आपको वन लीटर बॉटल होल्डर की डो पॉकेट मिलती है और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलता है आपको वेटारा ब्रिजा में सिल्वर एक्सेंस के साथ ये इसका कैबन लुक फाइव सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको पीछे आपको हेडब्रेस्क का फीचर नहीं मिलेगा एलेक्साई बेस मॉडल में आगे मिलता है आपको एडजस्टेबल हेडब्रेस्क का फीचर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर ये रे एक लाइन के लिए और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको इन फैब्रिक सीट अपोस्ट्री की जो हर वेरियंट के साथ आपको सेम मिलती है ट्रा प्रेशर इंफॉर्मेशन और ये इसकी पैडल पोजिशनिंग डेड पैडल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसे खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को यहाँ से खोल सकते हैं फ्यूल लेट को और यहाँ पे मिलती है आपको यूटिलिटी स्पेस हेडलम्पी में एडजस्टर नॉब और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ओ आर को ब्लैक फिनिश में मिलता है आपको ए सी क्रोम इंसर्ट के साथ इग्निशन स्विच भी आपको एलुमिनेटेड मिलता है एम्बल लाइट कलर में आई गाड़ी के अंदर चलते हैं और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से एलेक्साई बेस मॉडल का कुछ ऐसा मिलता है आपको स्टेरिंग व्हील यहाँ पे कोई सिल्वर इंसर्ट देखने को नहीं मिलेगा ये इसका हॉर्न टेल स्टेरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको हर वेरिएंट के साथ चाहे आप कोई भी वेरिएंट लें टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है वे ब्रेजा में यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट एंड एंडिकेटर कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स विद फोर स्पीड्स हजार लाइट का बटन ये है इसका एंटी एंटीथेप सिक्योरिटी सिस्टम का सेंसर यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाएगा लाइक अदर एस इवेंट्स कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको प्लास्टिक की आप देख सकते हैं नीचे मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट और ये है इसका ग्लव बॉक्स ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको एलुमिनेशन का फीचर नहीं मिलता आपको इधर और ये सर ऐसे एयरबैग की बैजिंग ट्विटर के लिए प्रोविज़न नीचे मिलता है आपको स्पीकर यहाँ पे कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता रीडिंग लाइट की बात करें तो ये बेस मॉडल है तो आपको एक ही रीडिंग लाइट मिलती है जो है इधर आयर व्यू मिलता है आपको एडजस्टेबल एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर पे मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर डैशबोर्ड पर मिलता है आपको डिज़ाइन ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से एलेक्साइड बेस मॉडल के साथ मिलता है आपको टू डेड म्यूजिक सिस्टम का फीचर मैनुअल ए और यहाँ मिलेंगे आपको ऑक्स एंड यू के पोर्ट्स लेफ्ट हंड साइड पे राइट एंड साइड पे है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो मिलता है आपको एक पूरी गाड़ी में यहाँ पे है डीप स्पेस फाइव स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स एलेक्साई के साथ आपको फोर स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा कॉइन होल्डर यहाँ पे मिलते हैं आपको दो कप होल्डर सेम साइज़ के साथ हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ और इधर है यूटिलिटी स्पेस आई गाड़ी को ऑन करके देखते हैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको एलेक्साई बेस मॉडल का लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको आर पी मीटर राइट हैंड साइड पे है स्पीडो मीटर एंड मिडल में मिलता है आपको एम आई डी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो दिखाएगा वो वेरियस इनफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड नॉब से आप एक्सेस कर पाएंगे डुअल ट्रिप मीटर्स को एंड रीसेट भी कर पाएंगे एंड राइट हैंड साइड नॉब से आप वेरियस इनफॉर्मेशन पा सकते हैं रेंज एवरेज किलोमीटर पर लीटर ऊपर मिलता है आपको डिजिटल टाइम साथ में है डिजिटल फ्यूल मीटर उसके साथ में है डिजिटल टेम्परेचर मीटर सेवन स्टेप इल्यूमिनेशन कंट्रोल का भी फीचर मिलता है आपको इधर और यह है इसका टू डन म्यूजिक सिस्टम का फीचर तो मिलता है आपको एल एक्साई बेस मॉडल में जो आता है ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको टेलीफोनी कंट्रोल्स आप देख सकते हैं उसके साथ में है ब्लूटूथ माइक ये और ये है इसका मानवल ए इसकी ब्लोअर स्पीड टोटल चार ए सी मिलते हैं आपको रेडिश एम्बर कलर की एलुमिनेशन लाइट मिलती है आपको इधर एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो के स्विच पे भी देखने को मिल जाती है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो पे और इधर से एडजस्ट कर सकते हैं आप ओ को इलेक्ट्रिकली ट्रैक का फीचर नहीं मिलता आपको एल बेस मॉडल में एंड सेवन स्टेप इल्यूमिनेशन कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको राइट हैंड साइड नॉफ से आप इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी कर पाएंगे मीटर इल्यूमिनेशन कलर का फीचर मिलता है आपको सिंगल मल्टी मिलता है आपको जेड एक्स आई वेरियंट से उधर आप कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो इधर देखने को नहीं मिलता आई गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं जितना आपको एनवेस्ट लेवल मिलता है ए सी यूनिट मिलता है आपको डस्ट एंड पोलर फिल्टर के साथ और यह है इसकी डोर हजार वार्निंग जो मिलती है आपको इधर और यहाँ से खुल सकते हैं आप फ्यूल लिट को फोर्टी एट लीटर्स की फ्यूल टैंक कपासिटी मिलती है आपको वेटारा ब्रेजा में आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को यहाँ पे मिलती है आपको डांपरिंग फॉर बेटर इंसुलेशन यहाँ मिलता है आपको सिंगल इंजन ऑप्शन जो है 1.5 लीटर में के फिफ्टीन बी पेट्रोल इंजन फोर सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 103 जीरो की पावर 138 थर्टी एट के साथ कंपनी माइलेज क्लेम करती है सेवेंटी पॉइंट जीरो थ्री की फॉर द मानवल एंड एटीन पॉइंट सेवन सिक्स फॉर द ऑटोमेटिक अवेलेबल है फाइव स्पीड मानवल या फोर स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ एंड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ आपको आई मोटर का फीचर मिलता है जो मिलता है आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ उधर मिलता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन तो कैसा लगा आपको विटारा ब्रेजा का बेस मॉडल कमेंट्स में बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग